News 18, India. इधर भीषण जंग के बीच इजरायल ने गाजा में हमास के एक और बड़े ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया। बताया गया कि वहां छिपकर हमास के लड़ाके इजरायल की फौज पर हमले कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू की सेना को इसका पता चल गया और इजरायल की सेना ने रॉकेट गिराकर उस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। इजरायल ने हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें सेना गाजा के उस ठिकाने पर हमला करती नजर आई। वहां पहले कुछ देर तक एक सैनिक अपने हाथ में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा दिखाई दिया, जबकि उसके पीछे भी एक दूसरा सैनिक मौजूद रहा। इस बीच उस सैनिक ने रॉकेट लॉन्चर को खिड़की से बाहर निकाला और घात लगाकर उस ठिकाने की तरफ देखता रहा। इसके थोड़ी देर बाद उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और एक ही झटके में रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसा लगा मानो लड़ाकू विमान से किसी बड़े इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी गई हो, क्योंकि हमले के बाद वहां से धधकती आग और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि उस ठिकाने को हमास के लड़ाकों ने बेस कैंप बना रखा था। उधर लंबी बीमारी से थककर द नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री ने इच्छा मृत्यु से अपने जीवन का अंत कर लिया। यूरोप के देश द नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री ड्रीस वन अख्त और उनकी पत्नी ने 93 साल की उम्र में इच्छा मृत्यु से दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने इच्छा मृत्यु के जरिए प्राण त्याग दिए। द नेदरलैंड्स में साल 2000 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई थी। टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती ने बतौर सांसद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जादवपुर में पार्टी के स्थानीय नेताओं के व्यवहार को लेकर नाखुशी जताई और अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सौंप दिया। I had already given my resignation letter to her. Did they accept accordingly? सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की योजना को सूचना के अधिकार के खिलाफ बताया। स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किस पार्टी को बॉन्ड के जरिए कितने रुपए दिए गए और किसने दिए। महाभारत टीवी सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज ने अपनी पत्नी आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने दो बेटियों को किडनैप कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। दो बेटियां जो 11 वर्ष की हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न, अपने पिता से उनको अलग करना। उधर इजरायल ने हमास की कैद से दो बंदूकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए सैन्य ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन 3 रोज पहले गाजा के दक्षिणी इलाके में चलाया गया था और उसका वीडियो अब जारी किया गया। तस्वीरों में दिखा कि इजरायल के सैनिकों ने रात के वक्त एक इमारत पर धावा बोल दिया। ये वीडियो उस ऑपरेशन में शामिल एक सैनिक के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसमें दिखा कि इजरायल के सैनिकों ने सबसे पहले उस इमारत के अगले हिस्से में एक जोरदार विस्फोट किया और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कई हैंड ग्रेनेड भी छोड़े गए थे। इसकी वजह से वहां इतने जोरदार धमाके हुए कि उनकी आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना को उस इमारत में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इजरायल के सैनिकों की एक टुकड़ी पूरी तैयारी के साथ वहां टूट पड़ी। दावा किया गया उन्होंने कुछ ही देर में वहां मौजूद हमास के लड़ाकों को मार गिराया और इसके बाद जब इमारत की तलाशी ली गई तो उसकी दूसरी मंजिल पर उन्हें दो बंधक भी मिले। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उन दोनों लोगों को 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान अगवा किया गया था और वो करीब 4.5 महीने बाद हमास की कैद से आजाद हुए।